गाइस आज मैं शाहरुख खान लग रहा हूँ कि नहीं? ये देखो यहाँ पे बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे हैं। तेज हवा चल रही है बाहर आके। इतनी मोहब्बत हो रही है। हाँ मोहब्बत देखो। तो शाहरुख का भी टिफिन रेडी हो गया है। स्कूल के सामने ही खड़ी हूँ और पापा को चलो बाय करते हैं। हेलो दोस्तों, फाइनली आज मेरा स्कूल 2 महीने की छुट्टी के बाद रीओपन हो रहा है। तो अभी सुबह हो चुकी है, 6:30 बजने वाले हैं और मेरा स्कूल मॉर्निंग का है तो मैं अभी तैयार होंगी। और शादीम हमारा सो रहा है क्योंकि उसका स्कूल दोपहर का है। शादीम हमारा सो रहा है और पापा भी उठ चुके हैं यहाँ पे। तो अभी मैं तैयार होती हूँ और मम्मी जब तक मेरे लिए टिफिन बना रहे हैं। रेडी हो के आ गई, अभी इनके बाल बनना है और ये टिफिन नया नया, अब इनको टिफिन देते हैं। बर्गर वाला, हाँ बर्गर वाला टिफिन है पर बर्गर इसमें नहीं जा रहा है, मैगी जा रही है। तो और मैगी खाएंगे पहले दिन, फेवरेट टिफिन खाएंगे बच्चों का। हाँ और मम्मी ने मैगी के साथ में स्माइली वाली बिस्किट भी रख दी है और नए टिफिन के साथ तो मैं नया बैग भी मैंने रेडी किया है, वो भी नई बॉटल भी है मेरे नए बैग में, नया कंपास भी है और बुक्स भी सारी नई नई रख दी है मैंने। उनको दिखाती हूँ, तो मेरा तो बैकपैक एकदम रेडी है, खाली बस टिफिन रखेंगे। तो अभी मम्मी मेरे बाल बांध रही है और सबसे पहले ही तेल लगा दिया, मुझे चम्पू बना दिया यहाँ पे। और पापा भी रेडी हो चुके हैं एकदम मुझे स्कूल छोड़ने के लिए, क्योंकि पापा मुझे स्कूल छोड़ेंगे और सुबह उठते ही चाय पी रहे हैं। स्कूल चालू होती बच्चों के, लेकिन ड्यूटी लग जाती है हम लोगों की, मेरी और इसके मम्मी की। अब पूरे साल हमारी भी ड्यूटी लगी रहेगी, स्कूल जाना ले जाना सब करना। मुझे भी तो सुबह सुबह उठना पड़ता है। अगर हम लोग नहीं उठे तो ये लोग स्कूल ही नहीं जा पाए। अलार्म लगा के उठना पड़ता है, शादी में तो मर रहे क्योंकि उसके अभी स्कूल दोपहर की है तो वो आराम से सुबह तक सोता रहता है। और अभी तो हम लोग ट्यूशन भी नहीं जा रहे, ट्यूशन थोड़े दिन बाद लग जाएंगे। कैसा है मुंबई में, गाँव में कैसा है? वन टाइम स्कूल चलता मेरे ख्याल से, वन टाइम एक बार बच्चे जाते हैं चले जाते हैं। यहाँ कैसा दो टाइम स्कूल चलता है, बड़े बच्चों का सुबह से दोपहर तक, छोटे बच्चों का दोपहर से शाम तक, दो टाइम स्कूल चलता है मुंबई में। यहाँ पे देखो मेरे स्कूल में 6 से जो मुंबई वाले नहीं है उनको शायद बात नहीं पता होगी, अभी सबको पता है। जैसा कि मेरे स्कूल में 6 स्टैंडर्ड से 9th, 10th स्टैंडर्ड तक सब सुबह जाते हैं और बाकी 1st से 5th तक सब दोपहर में जाते हैं। और शादी तो अभी 4th में ही है तो वो भी दोपहर में ही जाता है। अब जब वो 6th में जाएगा तब उसे सुबह सुबह उठना पड़ेगा। गाइस आज मैं शाहरुख खान लग रहा हूँ कि नहीं? मजाक कर रहा हूँ, शाहरुख खान का खराब शक्ल हो गई मेरे। और यहाँ पे कटरीना के बैठी है, ये है हमारी करिश्मा। अच्छा करिश्मा है। तो मारिया ने बैग टांग लिया है, काफी वजन बैग है इसका। और अभी बारिश का मौसम है, इसे सैंडल पहन के जाएगी मारिया। ये ऊपर से बाय बाय करते हैं। ये देखो ये भी जा रहे हैं, इनको भी जाना है। मैं इनको भी लेके चलूं? देखो देखो उधर पीछे। अल्लाह हाफिज़। जाओ अच्छे से। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ तुम्हें। और अभी मौसम ऐसा बन गया है कि जैसे लग रहा है बारिश होने वाली है, तो थोड़ा स्पीड में चलते हैं स्कूल की तरफ। और मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, पता ही नहीं क्यों, क्योंकि अब मैं 9th स्टैंडर्ड में चली गई और ये मेरा 9th स्टैंडर्ड का पहला दिन है। हाँ और अभी मैं स्कूल के सामने ही खड़ी हूँ और पापा को चलो बाय करते हैं। हाँ और आप और अब तुम मुझे लेने आओगे दोपहर में शादी को छोड़ने, ठीक है? लेने आ जाना यार। तो स्कूल छोड़ के मारिया को मैं आ गया, अब दोपहर में शादीम भाई को ले जाना है। और हमारे शादीम भाई वैसे मजाक में भाई बोलता नहीं, आप लोग बोलोगे, हमारे शादीम भाई लोग अभी सो रहे हैं मस्त एकदम। ये देखो जब मारिया को लेने जाऊंगा तो इनको छोड़ने जाऊंगा। इनको भी स्कूल जाना था लेकिन इनको कोई ले नहीं गया, तो हमारे शादी भी उठ गए अब और नाश्ता कर रहे हैं। देखो क्या खा रहे हो? चाय पाव खा रहे हैं। और बिल्ली वहाँ से देख रही है शादी को, चाय पाव खाती क्या पाव? ये जो पाव खाती है, चाय पाव खाती क्या? नहीं यार भी कभी कभी पी लेती मूड होता तो खाई है, देर तो खाती है खाती है नहीं खाती कम बोल रही हुई। फटाफट नाश्ता करो, तुम्हारी यार चली गई सुबह, तुम्हारा जाने का टाइम हो रहा है। मैं वो 12 बजे का
हाँ तो 12:30 बजे जाएंगे, माल्या को लेकर मैं तुमको छोड़ के आऊंगा। तो आज स्कूल जाओगे कैसा लगेगा तुमको? बहुत मजा आएगा, अपने दोस्तों से मिलूंगा। अच्छा चलो अब नहाने जाओ, तुम्हारे स्कूल जाने का टाइम हो रहा है, नहा के फिर अच्छे से तैयार होके स्कूल जा। तुम्हारे नहाते हुए हमारे सादिम भाई नहा के आ चुके हैं, चलो फटाफट रेडी हो जाओ, कपड़ा पहन लो। तो अभी सालिम भाई रेडी हो रहे हैं, स्कूल का शर्ट पहन लिया, हाफ पैंट भी पहन लो, डाई लगा लो फटाफट। तो सालिम का भी टिफिन रेडी हो गया है, और सालिम मारिया को जो टिफिन में सुबह मिला था मैगी और बिस्किट, हाँ। वही सालिम को भी मिला है। मैंने सालिम को बोला कि दाल चावल दे दूँ, तो सालिम बोलता है नहीं दे रही है। सालिम भाई स्कूल जा रहे हैं, सैंडल निकाल के दे रहे हैं। मैं छोटा था ना, मैं छोटा था, मेरी मम्मी भी ऐसे बाल बांधती थी, बाल मतलब बाल बना के भेजती थी मुझे स्कूल, लेकिन बहुत सारा तेल लगा के भेजती थी बाल में। तो टाइम हो गया है, चलो इतनी मोहब्बत हो रही है। हाँ मोहब्बत देखो, अरे पूरे साल जाना है, पहला दिन है आज यार, चलो चलो, रोज तो फिर डंडे लगा के भेजे जाएगा। शादी में भी जा चुका है, मारिया आने का टाइम है, मारिया आएगी, फाइनली मारिया आ चुकी है। फाइनली स्कूल से छूट गए, और आज का दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया, सारे बच्चों से काफ़ी महीनों बाद मिले, बहुत अच्छा लगा। और हमारी सारी नई नई टीचर है, तो हमें उनसे भी बात करके अच्छा लगा, पुरानी टीचर को हम बहुत मिस कर रहे हैं। क्यों पुरानी टीचर कहाँ गई? पुरानी टीचर छोटे स्टैंडर्ड को पढ़ाती है, नाइन की टीचर दूसरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आ गई क्या मेरी बेटी? अस्सलाम वालेकुम। पापा बहुत पढ़ाई करते हैं, पहले दिन की छुट्टी हो गई, तो आज बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि सारे नए नए बच्चे तो कोई भी नए थे, सारे वही पुराने दोस्तों से मिल करके बहुत अच्छा लगा। टिफिन खाया साथ में बैठ करके, बस नई टीचर थी तो टीचर से मिल करके बड़ा अच्छा लगा। कोई टीचर स्ट्रिक्ट है, कोई टीचर स्ट्रिक्ट नहीं है, पर सारी टीचर अच्छी है, और पढ़ाई भी हमारी मतलब खचाखच खरा दी, आज ही पढ़ा भी दिया एक लेसन और लिखा भी दिया, वाह एक लेसन हमारा हो गया। अच्छी बात है ना पढ़ाई कराई, पहले दिन तो बहुत स्कूल वाले पहले दिन टाइम पास करते हैं। हाँ हम लोग ने बोला कि मिस पहले दिन तो छोड़ दो, लिखाओ मत पढ़ाओ मत, मिस ने बोला ऐसा तो सारा दिन ही चला जाएगा, फिर तुम लोग कुछ पढ़ोगे नहीं। अच्छा पढ़ाई भी अच्छी बात है, कपड़ा चेंज करो, खाना खाओ। पर वैसे मेरा पेट बहुत भरा हुआ, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए टिफिन भी लाया था। अच्छा टिफिन ले गई थी ना तुम? हाँ मैं लेके गई थी, लेकिन मेरी एक फ्रेंड है अंजलि, उसको आपने मेरे पहले के व्लॉग में भी देखा होगा, तो उसकी मम्मी के हाथ का मुझे फ्राइड राइस बहुत अच्छा लगता है, तो उसने मेरे लिए अलग से टिफिन लेके आया था, तो वो भी मैंने खा लिया, मेरा पेट और भर गया। तो अभी बज चुकी है 5:30 भेजने वाले, और सादिम को भी स्कूल से लाने का टाइम हो चुका है, और हम लोग थोड़ा जल्दी निकलेंगे, क्योंकि पापा को काम से जाना पड़ा धरावी, तो इसीलिए मम्मी और मैं पैदल जाएंगे सादिम को लाने, और आज पहले दिन ही हमें पैदल जाना पड़ रहा है, पर कोई नहीं, चलो सादिम को लाने चलते हैं, अगर लेट हो जाएंगे तो वो स्कूल के बाहर खड़ा रह के रोने लगेगा वरना, तो चलो फटाफट से चलते हैं। तो अभी हम बाहर आ चुके हैं, और तेज हवा चल रही है बाहर आके, तो मैं मम्मी को बोल रही हूँ कि अगर मैं उड़ जाऊंगी हवा की वजह से तो मुझे पकड़ लेना, तो मम्मी बोल रही मैं खुद उड़ रही हूँ, तुझे क्या पकड़ेगी। तो अभी हम काफी चलने के बाद फाइनली स्कूल पहुँच चुके हैं, ये देखो सारे पेरेंट्स का झुंड लगा हुआ है स्कूल के बाहर, और हम भी यहाँ पे थोड़ा अलग हटके खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, फाइनली शादी में आ चुका है, खुशी किस बात की? आज मैंने देखो बहुत सारी पढ़ाई करी, ड्राइंग अच्छा करा। यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रही है, घर पे चल के बताना। हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा लगा? हाँ। स्कूल कैसा है? अच्छा है। आपका नाम क्या है? अदिति। अच्छा तो आप भी सादिम के साथ ही पढ़ दो स्कूल में। ये देखो यहाँ पे बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे हैं, छोड़ मत कर,
डर जाएंगे। वो देखो अरे वो यहाँ पर आना तू। और सादिम स्कूल क्या गया अपनी नई बॉटल लेकर के, उसको ये जो पकड़ने वाला जो था जिसके मदद से, हाँ इसका जो हैंडल आप बोल सकते हो, उसको इसने तोड़ दिया और बॉटल को भी गिरा दिया। पर अच्छा बॉटल नहीं टूटी क्योंकि हमारी बॉटल मजबूत है, लेकिन ये टूट गया और अब ये मम्मी से सिर्फ डांट खाएगा। चलो शुरू हो जाओ मम्मी। तो अभी हम धीरे धीरे करके अपने घर के बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुके हैं और हमारे चलने में हालत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि हमारी तो नहीं हुई लेकिन उससे ज़्यादा मम्मी की हुई, क्योंकि सादिम को आज पहला दिन था तो सारे बुक खराब हो गई है, क्योंकि सादिम का बैग उठाने में सारे बुक सादिम अपने बैग में तो बैग मुझे दे दो, लो उसको उठा लो बॉडी में। तो अभी हम लोग फाइनली घर आ चुके हैं और चलो सादिम से पूछते हैं कि आज उसका दिन स्कूल में कैसा गया। बहुत ही अच्छा गया, मैंने बहुत ही मस्ती करी अपने दोस्तों के साथ, बहुत बात करी, टीचर ने हमें पढ़ाई भी करी, टीचर ने हमें गेम भी खिलाया, बहुत मजा आया। होमवर्क हाँ होमवर्क मिला मैथ्स का। चलो अच्छा है, वरना इसको होमवर्क नहीं मिलता तो मुझे हार्ट होता क्योंकि मुझे होमवर्क मिला है। आज का हमारा स्कूल का फर्स्ट डे काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया और हमने फर्स्ट डे में बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करी है। तो आप लोग हमारे लिए दुआ करना कि हम पूरे साल ऐसे ही दिल लगा के पढ़ाई करें और आप लोग अच्छे नंबर लेके आए। और आप लोगों के भी स्कूल स्टार्ट हो गए होंगे तो आप लोग भी एकदम दिल लगा के पढ़ाई करना। तो चलो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, उम्मीद है आपको हमारा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ बेल आइकन की घंटी भी दबा देना। थैंक यू, बाय।